fucking sure about it? Whether what the girl is wearing, it's her right. It's her right. She has a right to wear whatever the damn thing she wants to wear. You don't have any comment. Is she your daughter? Room बहुत ज़्यादा messy हो रखा है तो चलो बाहर चल के बात करते हैं. कुछ आज थोड़ा सा important बात करने का है. हाँ कहाँ पे बात करें? हाँ ये better place है. Okay, so welcome back to the channel guys. I hope you guys are doing absolutely fine. And मैं हूँ शशांक और आप देख रहे हैं SM Vlog. So basically आज की वीडियो एकदम एट रैंडम वीडियो है. मैंने कल एक वीडियो देखी थी जिसमें वो काफ़ी वायरल हुई. हर एक इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म हो गया या यूट्यूब हो गया, हर जगह वो वायरल हो रही है, जिसमें एक आंटी बोलती है कि जो लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं उनका रेप हो जाना चाहिए. रेप हो, समझ लो. और एक आंटी बोलती है, अराउंड होगी 40-45 साल की. ये वाली वीडियो देखो, उसके बाद में आपके समझ में आएगा क्लियरली कि ये एग्जैक्टली है क्या. No, what happened to you now? Excuse me, what happened to you now? You wanted to have a discussion and tell me something about the length of my dress, right? You don't want to talk now. No, you wanted to talk about the length of my dress, right? What happened to it now? Where is the lecture now? I should get raped. That's what you told me, right? Yes. Thank you so much. And just to mention, we also have a CCTV footage.
she wants to wear. Okay. You don't have any comment. तो बेसिकली इस वीडियो में दिखाया है कि एक आंटी है जिसने बोला है कि किसी लड़की को देख के जो शॉर्ट्स पहने होगी या फिर जो भी है, क्योंकि उसकी मैंने फ़ोटो नहीं देखी, उसकी वो बंदी वीडियो में है भी नहीं, तो बोलिया होगा कि इसका रेप होना चाहिए। एंड ये सरासर गलत है, बहुत ही गलत चीज़ है ऐसे बोलना, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं जो इस वीडियो में जो ब्लैक कलर की जो लेडी थी ना, उसके साथ खड़ा हूँ मैं। उस लेडी ने एकदम सही बोला, इंडिया को चेंज होना पड़ेगा यार, इस मेंटेलिटी के साथ में नहीं चल सकता इंडिया, इंडिया को चेंज होना पड़ेगा, ये मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। सो ये वीडियो एक्चुअली, लेकिन एक इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि अगर आप देखोगे उसके जो फैमिली वाले, जो उसके उसका हस्बैंड होगा, उसके बच्चे होंगे या फिर उसके जो रिश्तेदार, वो कितना ज़्यादा हैरेस हो रहे होंगे। एंड ऐसा सुनने में भी आया कि उसने फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम पर इंडिया से अपोलॉजी मांगी है, सबसे माफ़ी मांगी, सारी लड़कियों से, सारे पूरे इंडिया से माफ़ी मांगी। तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगा यार, अब वो वाली वीडियो अब आप शेयर करना बंद कर दें, क्योंकि छोड़ो यार, अब किसी ने यार माफ़ी मांग ली है। अब बेसिकली बात यह कि ऐसे लोगों को आप मार तोड़ के नहीं कर सकते, या फिर आप उनको हैरेस करके नहीं उनको ना आप सही लाइन पे ला सकते हैं। हाँ, बट ये मे भी अगर हम इनसे बात करके देंगे, क्योंकि इनकी थिंकिंग जो है ना, इतनी गंदी थिंकिंग, ये कैसे हुई वो चीज़ जब तक हमें नहीं पता लगी, तब तक हम कैसे हम इन्हें सुधार सकते हैं। तो वो चीज़ हमें पता करनी चाहिए कि इंडिया के अंदर ऐसा क्या चल रहा है, लोगों के दिमाग के अंदर कैसा ऐसा क्या चल रहा है कि उनकी सोच इतनी गंदी हो रही, उनकी सोच इतनी घटिया होती जा रही है। तो एट द एंड मैं केवल यही बोलूँगा कि आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी सोच ऐसी है, तो प्लीज़
उसकी थिंकिंग जानने की कोशिश करो कि बेसिकली उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उसकी ऐसी थिंकिंग है। और प्लीज़ मेरी ये पूरे इंडिया से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों से अगर आप मिलते हैं तो उनसे प्लीज़ अपनी तरफ से एक बार ट्राई करके देखिए कि उनकी थिंकिंग को सुधार सको, क्योंकि जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं किसी दूसरे को अच्छा कुछ बताएंगे, तब तक यार इंडिया थोड़ी ना आगे बढ़ेगा। तो बी सेफ गाइज एंड ऑल दी गर्ल्स बी रेस्पेक्टिव एंड आई रेस्पेक्टिव एंड या बेसिकली आपको जैसे भी रहना है, ये इंडिया है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो आपको जैसे भी रहना है, आपको जो भी पहनना है, जो भी करना है आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आदमी अगर अलाउड है तो लड़कियाँ क्यों नहीं, औरतें क्यों नहीं। सो बी सेफ गाइज एंड चलो यार जो भी बोलना था मैंने बोल दिया आपको, जो भी मेरे दिल में था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट फॉर एनी ऑफ रीजन। सो कमेंट डाउन लो अपने थॉट्स कि आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में। Find somebody who loves you, somebody who needs you, somebody who trusts you, takes care of